शरीराम से खत्म होगी जन्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। परसपुर के खेरा वृंदावन निवासी सालिकराम सिंह बेनामा घोटाले के आरोपित हैं। 20 मुकदमों के आरोपित को नगर पुलिस व एसओजी ने 24 घंटे पहले गिरफ्तार किया था। जेल प्रशासन का कहना है कि सोमवार की शाम को सालिकराम को जेल में दाखिल किया गया था। मंगलवार की भोर में उसकी तबीयत खराब हो गई। प्रभारी जेल अधीक्षक जेलर एसपी मिश्र ने बताया कि सालिकराम को कल देर रात 1:30 बजे पेट दर्द की शिकायत थी, जिसका जिला जेल में डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा रहा था। सुबह दोबारा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की जानकारी होने पर उसे सुबह 5:30 बजे जिला अस्पताल भेजा गया। वहां इलाज के दौरान सुबह 7:30 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने कहा कि पहले उनकी तबीयत खराब नहीं थी। पुलिस पर पिटाई करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल चिकित्सकों ने बीमार होने की बात कही है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। पार्षद साहब उनका पुलिस पकड़ी रामनगर सालिकराम को, उसके बाद उनका चालान दी सोमवार का। तबीयत इनका खराब है तो यहाँ से कोई सोचना नहीं गए। सुबह चौकी के इंचार्ज शमशेर के वाले फोन पर फोन की कि भर्ती कराया गया, वो खत्म हो चुके। तो आज कहाँ आए हैं? जब सूचना मिली तो वहीं के पास आए हैं। हमारे जीजा लगते थे। मौज क्या हुआ अब वक्त ईश्वर जाने। जब लाश पोस्ट मास्टर जाए निकलेगा कोई नहीं गाँव मऊ हो जाए। पहले से कुछ तबियत खराब है? नहीं नहीं नहीं, जेल भेजी ना, हमें सबका मालूम नहीं कि भेजिंग की हुए रोके रहे। तो आज जो जानकारी कर लगी आपको? सुबह 9 बजे क्या जानकारी मिली? सुबह जानकारी मिली चौकी के इंचार्ज फोन की हूँ। कौन सी चौकी? पसका। तब उन्होंने कहा कि वो जेल भेजे गए, जेल में तबीयत खराब हुई, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो खत्म हो गए सुबह 9 बजे। नहीं नहीं सोचना नहीं मिली उन्हें, किसी को नहीं। कल एक सालिकराम नाम का बंदी आया था अंडर ट्रायल माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो 5:25 सायंकाल जेल में दाखिल हुआ। उसका ठीक ठाक था उसका स्वास्थ्य। उसको उठा करके हम लोगों ने जब दाखिल होने के बाद उसको क्वारंटाइन बैरक में भेज दिया गया था। रात लगभग 1:30 बजे के आसपास उसको पेट दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर आए, मैं आया, डॉक्टर ने उसको बाकायदा दवा दी, उसको आराम मिला। डॉक्टर और हम चले गए, वो अपने जेल अस्पताल में भर्ती हो गया। सुबह 5:30 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास फिर पुनः उसकी रिपोर्ट लगी। हम लोग फिर आए और उसको डॉक्टर ने पुनः परीक्षण किया। परीक्षण उपरांत उन्हें लगा कि इसको भेज दिया जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तत्काल जेल गार्ड के और एम्बुलेंस से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर उपस्थित चिकित्सा अधिकारी द्वारा एडमिट कर लिया गया और तत्पश्चात 5:20 यहाँ से गया तो कहीं 7:30 बजे के आसपास हमें न्यूज मिली कि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। अरे जेल आने के कितने देर के बाद उसकी तबीयत खराब हुई? जेल आने को आया था समझ लीजिए 5:25 पे आया, 1:30 बजे रात में उसकी तबीयत खराब हुई। ये अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना कोतवाली नगर। नहीं मतलब ये अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जमीन घोटाला है क्या है मुझे नहीं मालूम। हमें तो केवल धाराओं से मतलब था, धारा 1 थी। क्या बीमारी थी? बीमारी इसको कुछ नहीं थी। हम जब आया था इसने केवल रात में हमें 1:30 बजे के आसपास बताया कि हमें पेट में दर्द हो रहा है। सुबह इसको थोड़ा सा लगा कि सांस लेने में दिक्कत हुई, शायद एस्थमेटिक अटैक था। तो उसके कारण इसकी 75 साल उम्र है। क्या लग रहा था पुलिस ने बताया था? चोट वोट भी लगी? नहीं चोट वोट तो नहीं बताया इसने, क्योंकि वो शाम को आया था। कोई पुरानी चोट हो तो हम नहीं कह सकते हैं, कोई नई कोई चोट नहीं थी, कहीं कोई रक्त स्त्राव नहीं था कहीं। क्या लग रहा है सर कि 12 घंटे के अंदर आया था? अब मैं तो इसको नहीं कह सकता कुछ, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। बाकी डॉक्टर बताएंगे, पोस्टमार्टम होगा। घर वालों को सूचना दे दी? हाँ घर वालों को सूचना दे दी गई तत्काल मोबाइल से, उनका पूछताछ के अड़ोसियों से, पड़ोसियों से लेकर के मैं दे दी उनको। उनके भतीजे को सूचना मिल गई है, वो संभवतः हॉस्पिटल पहुंच गया है। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।